हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभी मित्तल एंड यू आर वॉचिंग अभी मित्तल ब्लॉग। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए नीट यूजी की काउंसलिंग का फुल स्केड्यूल, जो कि एमसीसी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉन्च कर दिया है। ये आप सभी के लिए खुशखबरी है कि नीट यूजी काउंसलिंग का शेड्यूल लॉन्च हो चुका है और बहुत ही जल्दी नीट यूजी की काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका फुल स्केड्यूल क्या है, कि ये स्टार्ट कब होगी और एंड कब होगी, कब इसका फर्स्ट राउंड होगा, कब सेकंड होगा और करते करते कब इसका मोपअप राउंड और स्ट्रे राउंड भी होगा। तो हम बात कर रहे हैं अभी फर्स्ट राउंड की। चलिए मैं बताता हूँ कि फर्स्ट राउंड का स्टार्टिंग कब है और एंडिंग कब है और कैसे कैसे इसका जो प्रोसेस है वो होगा। सबसे पहले कि 17 और 18 को अभी आने वाले 2-3 दिनों में 17 को और 18 को क्या होगा, सीट्स का वेरिफिकेशन होगा कि कितनी सीट्स है, सीट का जो मैट्रिक्स है वो इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल, मतलब वो इंस्टीट्यूट्स की तरफ से अवेलेबल होगा कि मतलब कितनी सीट्स है टोटल, कितना उसका मैट्रिक्स है, कितनी पे रिजर्वेशंस है और क्या क्या कितने कितने सीट्स पे एडमिशन होना है। उसके बाद 19 से लेके 24 तक, 24 को 12 बजे तक, 12 noon तक, ठीक है, जो रजिस्ट्रेशंस होंगे वो रजिस्ट्रेशंस होंगे किसके लिए, फॉर द फर्स्ट राउंड, जो कि 6 दिन बनते हैं। और 24 तारीख को 3 बजे तक पेमेंट करने का टाइम भी है, मतलब 12 बजे रजिस्ट्रेशन ओवर होंगे दोपहर को और 3 बजे तक आप अपनी पेमेंट्स कर सकते हैं। जहां पे बात आती है चॉइस फिलिंग की और चॉइस लॉकिंग की, वो क्या होगा, चॉइस फिलिंग की जो बात आती है, चॉइस फिलिंग आपको 20 से लेके 24 तक अवेलेबल होगी, 24 को 11:55 PM तक, मतलब रात 11:55 तक आपको चॉइस फिलिंग करने का टाइम मिलेगा। एंड चॉइस को लॉक करने का टाइम जो दिया गया है वो दिया गया है 4 PM ऑफ 24 टू 11:55 ऑफ 24, मतलब फिलिंग आप 20 से 24 तक कर पाएंगे, परंतु जो चॉइस को लॉक करने का टाइम होगा वो होगा सिर्फ और सिर्फ 24 डेट को 4 PM टू 11:55 PM। उसके बाद 25 और 26 डेट को वेरिफिकेशन होगा कैंडिडेट्स का, कि मतलब जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो अच्छे से हुआ है या नहीं हुआ, इंस्टीट्यूट्स और जो यूनिवर्सिटीज़ है वो उनके अपने रिस्पेक्टिव से अपने प्रिस्क्रिप्टिव के ऊपर वो आपको वेरीफाई करेगी। उसके बाद 27 को और 28 डेट को जो एमसीसी है वो आपको सीट अलॉट करना स्टार्ट करेगी। जो प्रोसेस है बैकग्राउंड जो प्रोसेस होगा सीट अलॉटमेंट का वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद 29 डेट को जो है वो रिजल्ट अनाउंस कर देंगे कि किस बच्चे को कौन सी सीट अलॉट हो रही है, उन सभी का वो लिस्ट और जो अलॉटमेंट लेटर होगा वो रिलीज कर देंगे। उसके बाद 30 डेट से लेके आप 4 फरवरी तक आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं, ये आपको टोटल 6 डेज मिलते हैं। तो टोटल अगर हम माने तो हमारे पास 7 to 9 to 11, 12 and 18 डेज अप्रोक्सीमेटली हमें लगे हैं फर्स्ट राउंड को कंप्लीट करने में। अब मैं बात करता हूँ सेकंड राउंड की। सेकंड राउंड 7 February से और 8 February को जो यूनिवर्सिटीज़ है वो फिर से आपको सीट मैट्रिक्स अवेलेबल कर देगी कि किस यूनिवर्सिटी में कितनी सीट्स पेंडिंग बची है आफ्टर फर्स्ट राउंड। उसके बाद 9 to 14 February को आपके रजिस्ट्रेशन होंगे सेम तरीके से, और 14 को आप 3 PM तक पेमेंट्स कर पाएंगे। उसके बाद 10 to 14 February को आप चॉइस फिलिंग करेंगे और 14 February को आप उसे लॉक करेंगे। 15 और 16 को आपका वेरिफिकेशन होगा, 17 और 18 को आपको सीट अलॉटमेंट होगी, 19 का आपका रिजल्ट लॉन्च हो जाएगा और 20 to 26 February को आप रिपोर्ट करके आएंगे इस राउंड के अंदर भी। अब हम बात करते हैं थर्ड राउंड की, जो कि होगा मोपअप राउंड। ये कैसे होगा, 28 फरवरी से लेके 1 March इसके अंदर सीट्स का मैट्रिक्स अवेलेबल होगा कि किसमें कितनी सीट्स पेंडिंग है। उसके बाद 2 March से लेके 7 March तक हमें रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद 3 March से लेके 7 March तक, मतलब उसके साथ साथ हमें चॉइस फिलिंग करने का वक्त मिलेगा और 7 March को आपको चॉइस को लॉक करना होगा, और 8 और 9 March को आपका वेरिफिकेशन होगा, 10 और 11 March को आपका सीट अलॉटमेंट का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा और 12 March 2022 को आपका रिजल्ट लॉन्च होगा।
और 13 मार्च से लेकर 19 मार्च तक आप रिपोर्ट करके आ सकते हैं। उसके बाद जो नॉन रिपोर्टिंग और जो नॉन ज्वाइनिंग वैकेंट पेड सीट्स टू डीम यूनिवर्सिटी फॉर कैरिंग आउट रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट्स, मतलब कुछ जो सीट बच जाएगी वो डीम्ड यूनिवर्सिटी के पास पेड सीट्स में कन्वर्ट कर दी जाएगी, जिन पे जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है वो स्ट्रे राउंड में अपना एडमिशन कर पाएगी। जो स्ट्रे राउंड होगा उसके लिए कुछ रूल्स है कि कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, कोई भी फ्रेश पेमेंट नहीं होगी ऑनलाइन स्ट्रे राउंड के लिए, नो फ्रेश चॉइस फिलिंग विल बी कंडक्टेड, आपने जो चॉइस फिलिंग पहले कर रखी थी आपको वही चॉइस फिलिंग करने का ऑप्शन होगा, आप मतलब चॉइस फिल फिर से नहीं कर पाएंगे। द चॉइसेस एक्सरसाइज बाय कैंडिडेट इन मॉपअप राउंड विल बी कंसीडर्ड फॉर अलॉटमेंट ऑफ सीट फॉर द स्ट्रे राउंड, उन्होंने कहा है कि मॉपअप में जो आपने चूज किए थे वही आपके स्ट्रे राउंड में भी काउंट होंगे। फोर्थ पॉइंट ये है कि अलॉटमेंट ऑफ द सीट्स ऑनलाइन बाय रनिंग सॉफ्टवेयर, अब की बारी स्ट्रे राउंड का पूरा प्रोसीजर ऑनलाइन ही होगा वाया ए सॉफ्टवेयर। एलिजिबल कैंडिडेट हु आर नॉट होल्डिंग एनी सीट ओनली कैन पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन स्ट्रे राउंड वैकेंसी, उन्होंने कहा है कि ओनली वही बच्चे पार्टिसिपेट कर पाएंगे इस राउंड में जिनके पास कोई भी सीट होल्डिंग में नहीं है, मतलब उन्होंने कहीं पर रिपोर्ट नहीं किया था अभी तक। ओके इसका जो प्रोसेस होगा अलॉटमेंट का वो होगा 21 मार्च को, जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 22 मार्च को, और जो रिपोर्टिंग होगी वो होगी 23-26 मार्च के बीच में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। थैंक यू वेरी मच।